ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम एक योग के ऊपर चर्चा करेंगे जो ग्रहों के हिसाब से नहीं बनता, बल्कि एक परिवार के हिसाब से बनता है, जिसे त्रिखल योग कहा गया है। इसे त्रिखला नाम से भी जाना जाता है। क्या है यह योग और इसका प्रभाव क्या होता है और इसका उपाय क्या करना चाहिए, उस विषय के ऊपर आज हम विचार करेंगे। जब एक परिवार में तीन पुत्रियों के जन्म के बाद एक पुत्र का जन्म होता है, या तीन पुत्रों के जन्म के बाद एक पुत्री का जन्म होता है, तो उसमें त्रिखल नाम का योग जो है वो लग जाता है। त्रिखल दोष भी इसे कह सकते हैं। तो इसका प्रभाव शास्त्रों में अशुभ माना गया है। तीन बेटियों के बाद एक बेटा होना या तीन बेटों के बाद एक बेटी का जन्म होना, इसे त्रिखला दोष कहा जाता है। इस दोष का प्रभाव परिवार के ऊपर बहुत अशुभ होता है। ऐसे परिवार को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, अपने स्थान का त्याग करना पड़ता है, और ऐसे बच्चों का भी जो भविष्य जो होता है वो अंधकार में हो जाता है। और ऐसे जो बच्चे हैं, जो संतान हैं, उनको आगे जीवन में चलकर बहुत सी परेशानियां आती हैं। या तो विवाह नहीं होते, या विवाह हो जाते हैं तो संतान संबंधी परेशानियां आती हैं। आपस में उनका मनमुटाव हो सकता है, झगड़ा रह सकता है, ऐसी संतान कभी साथ नहीं रह पाती। और जातक के पिता को भी, ऐसे बच्चों के पिता को भी बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परिवार में गरीबी हो सकती है, ऋण की स्थिति हो सकती है, और भी बहुत सी समस्याएं इस दोष के कारण परिवार में हो सकती हैं। तो इसे त्रिखला दोष के नाम से जाना जाता है। यह दोष जो है इसका उपाय, जैसे गंडमूल शांति का उपाय किया जाता है, उसी प्रकार त्रिखला दोष की शांति करनी चाहिए। चौथे बच्चे के जन्म से 12वें दिन से इस शांति को, इस पूजा कार्य को आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले विद्वान ब्राह्मण से संपर्क करके उन्हें त्रिखला दोष की शांति करने के लिए निवेदन करें। उसके बाद शुभ दिन में और शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त में इस त्रिखला शांति को करना चाहिए। तो इस प्रकार त्रिखला दोष की शांति करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और परिवार में उन्नति होती है, और ऐसे बच्चों का भविष्य जो है वो भी बहुत उन्नत होता है। ऐसे बच्चों को आगे चलकर फिर कोई परेशानी नहीं आती। तो त्रिखला दोष की शांति इस प्रकार है कि सबसे पहले गणपति देवता का पूजन करके, नांदी श्राद्ध करके, वरुण देव के कलश की स्थापना करके, उसके बाद रुद्र कलश की स्थापना करनी चाहिए, ब्रह्मा जी के कलश की स्थापना करनी चाहिए और विष्णु भगवान के कलश की स्थापना करना चाहिए, और इंद्र देवता के कलश की स्थापना करें, भगवान शंकर के कलश की स्थापना करें और इन कलशों का विधि पूर्वक पूजन करें। और
इसके साथ साथ पांच ब्राह्मणों का वर्ण करके प्रत्येक देवता का 21,000 जप करवाना चाहिए। विष्णु भगवान के वैदिक मंत्र का 21,000 जप करवाएं और इंद्र देवता के वैदिक मंत्र का 21,000 जप करवाएं और ब्रह्मा जी के मंत्र का 21,000 जप करवाएं और शंकर जी के वैदिक मंत्र का 21,000 जप करवाएं और रुद्र भगवान के मंत्र का भी 21,000 जप ब्राह्मणों द्वारा करवाना चाहिए। इस जप को पूर्ण करने के बाद हवन करना चाहिए, दशांश हवन करना चाहिए और हवन के पश्चात परिवार का, बच्चों का कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद ऐसे बच्चों को, परिवार को विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात जो वस्त्र पहने होते हैं उन वस्त्रों का दान कर देना चाहिए और एक मिट्टी के छोटे घड़े को पैर से तोड़ देना चाहिए पिता के द्वारा, और उसके बाद बच्चे का अभिषेक करना चाहिए और शनि देवता के निमित्त छाया पात्र का दान करना चाहिए। और इस प्रकार विधि करते हुए पिता को चाहिए कि अपनी संतान को 3 बार चूमना चाहिए और अन्न दान करना चाहिए, छाया पात्र का दान करना चाहिए और 3 धातुओं का दान करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। इसके पश्चात सूर्य अर्घ देकर इस त्रिखला दोष की जो है वो शांति हो जाती है। ये 3 का जो आंकड़ा है इसको अशुभ माना गया है। देवी भागवत पुराण में भगवान विष्णु ने इस 3 के आंकड़े को अशुभ बताया है और इसको त्यज्य बताया है। तो इस प्रकार त्रिखल शांति की विधि मैंने आपको बताई और त्रिखल दोष क्या होता है इसके बारे में आपको विधि पूर्वक बताया। यदि आपके परिवार में भी ऐसा दोष बन रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, यह साधारण सा उपाय करवाकर आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। और यदि आपके परिवार में ऐसा दोष है तो अपने विचार, अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।